हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा डे 19 है और इसमें मैं सिखाने वाला हूँ ओपन हेयर स्टाइल। काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि हैं हेयर स्टाइल्स के ऊपर, रशियन हेयर स्टाइल, सॉफ्ट बन, ब्रेड्स बनाना सिखा रहे हैं, मरमेड बनाना सिखा रहे हैं, ओपन हेयर स्टाइल बनाना सिखा रहे हैं, कर्ल्स, एवरी टाइप ऑफ कर्ल्स, एवरी टाइप ऑफ ब्लो ड्राइज। तो ये क्लासेज हमारी ऑलरेडी हो चुकी है काफ़ी इसमें से। आज हमारा डे 19 है, तो डे 19 की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कैसा? आप सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर एक जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ, चलिए ज़्यादा टाइम हम ना लेते हुए सीधा चलते हैं डमी के ऊपर। ओके, तो अभी हमारे पास जो डमी है इस पे पहले मैं सेंटर पार्टीशन निकाल लूँगा, जो बहुत ज़रूरी है। सेंटर पार्टीशन होगी तो हम आगे का कोई पार्ट कर सकते हैं, आगे का कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटर पार्टीशन निकाली मैंने। ओपन हेयर स्टाइल में ये करना ज़रूरी है। ओके, ये जो हमारी डमी है इसका नाम इसका नाम आपको पता है क्या? एक चीज बताऊं, यहां पे जितनी भी डमी मिलती हैं उनका नाम होता है। अब कोई भी डमी खरीदने जाओगे उसका नाम है। तो हमारी ये जो डमी है इसका नाम है एंजेला। यस, तो हमने रेडियल सेक्शन निकाल लिया है एंजेला के बालों में। जो हमारी पहले वाली डमी थी उसका नाम है डोली। दिखाऊं मैं आपको डोली? तो ये हमारी डोली है जिसमें हमने कल लाइंस वाला हेयर स्टाइल बनाया था, याद है? जी हां। तो आज जो हम करने वाले हैं ओपन हेयर स्टाइल, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। मैंने सेक्शंस निकाल लिए हैं, रेडियल सेक्शन निकाल लिया है। हम आप अभी बैक पे काम करेंगे। कैसे? हम डमी को थोड़ा झुका लेंगे इस तरीके से। ओके, एंड देन कॉम करूंगा मैं उसी तरीके से। और मुझे डायगोनल सेक्शन निकालने हैं। कैसा? इस तरीके से यहां पे ये सेक्शन निकाला और इस साइड पे मैंने ये सेक्शन निकाला। तो इसी सेक्शन पे ही मुझे काम करते हुए आगे बढ़ना है। मैं देख लूंगा, थोड़ा इवन होना चाहिए जब भी आप सेक्शन निकालो, ठीक है? तो ये बालों को मैं कर दूंगा टाई क्योंकि मुझे इनमें कुछ नहीं करना है। मुझे इन बालों में हेयर स्टाइल क्रिएट करना है, ठीक है? तो हमारी आज की टोंग जो है वो फुल गर्म कर ली है मैंने, हॉट पे रखी हुई थी। अभी इसमें मुझे करने हैं कर्ल्स, बट उससे पहले मैं इन बालों को कर लूँगा थोड़ा बैक कॉम इस तरीके से, इस तरीके से। आप टॉप से कर सकते हो, आप बॉटम से कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। डिपेंड करता है आप हेयर स्टाइल कौन सा बना रहे हो। तो मैं टॉप से करूँगा इस तरीके से। जैसे ही बैक कॉमिंग हो जाता है मैं यूज कर लूंगा हेयर स्प्रे। ओके, बाकी बालों को कॉम कर लूंगा। अब यहां पे जो मैं टोंग सेटिंग बता रहा हूं, हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है। आज हम करने वाले हैं आउटवर्ड्स टोंग सेटिंग इस तरीके से। देखिए ध्यान से, फिर से देखिएगा इस तरीके से। पूरे बालों को हमें एंड्स पे लाके आउट कर लेना है ऐसे। कोई भी टूटे हुए बाल हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करें।
आपको मिनिमम 10 सेकंड तक बालों को ऐसे ही रखना है टोंग के अंदर, मिनिमम 10 सेकंड, और दोनों साइड हम इस तरीके से ही टोंग करेंगे। ओके, अब जैसे ही ये हो जाएगी हम वेट करेंगे, थोड़ा टच करके देखेंगे बालों को, अगर हमें लगता है कि हो गई है और इस तरीके से हम बाल जो हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन बालों को मैं यहाँ पे पिन से होल्ड कर लूँगा इस तरीके से, देन अदर साइड करूँगा। देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज का हेयर स्टाइल देख के। जिन लोगों को हेयर स्टाइल नहीं भी बनाने आते आज मैं उनको भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पे पहले बैक कॉम्ब, थोड़ा सा बैक कॉम्ब किया, स्प्रे कर लिया। ओके, स्प्रे करने के बाद हम बालों को कर लेंगे आउट। दोबारा से रूट्स के पास से शुरू करूंगा मैं इस तरीके से। थोड़ा मुझे उस साइड आना पड़ेगा, मुश्किल होती है। तो यहां पे मैंने पकड़ा, आउट किया, आप मूव करते जाएंगे और साथ साथ में इसको रोल करते जाएंगे इस तरीके से। मैंने पूरे बालों को अच्छे से रोल कर लिया है। 10 सेकंड से 12 सेकंड तक आपको बालों को ऐसे ही रोल करके रखना है ताकि इवन सिंगल हेयर, जो जितने भी एक एक बाल हैं वो सारे रोल हो जाएं अच्छे से। जिनको नहीं समझ में आ रहा आप बता दो, और अगर आपको और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए इन कर्ल्स का तो आप पहले लगा सकते हो मूज, या आप लगा सकते हो हेयर स्प्रे। काफी सारी चीजें हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो। गुड, माय पॉइंट ऑलमोस्ट 10 सेकंड हो चुके हैं हमें, तो मैं इसको निकाल लूंगा इस तरीके से यहां पे। ठीक है, अब ये रोल को ऐसे ही पकड़ के रखना है और पिन लगा देना है ताकि बाल कहीं निकले नहीं। तो यहां पे मैंने ये पिन लगा दिया। इसके बाद सेक्शन लेंगे हम फिर से उसी तरीके से। उस साइड भी सेम सेक्शन लेंगे, बट उसके लिए हमें पहले इनको अच्छे से कॉम कर लेना है, कॉम कर लेना है, बैक कॉम कर लेना है। बैक कॉम होने के बाद हम इसमें यूज करेंगे हेयर स्प्रे ताकि बैक कॉम वहीं पे स्टे रहे। बालों को पकड़ा, रूट्स के पास पकड़ा, घुमाना शुरू किया, बाहर लेके आ रहा हूं धीरे धीरे सॉफ्टली। अब बालों को क्लियर करते जाएंगे। देखिए ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि बाल एंड्स के जो हैं वो बहुत पतले हैं। तो ध्यान देना है क्या करना है, आप घुमाओ, वेट करो, फिर से घुमाओ, फिर वेट करो। देखिए हाँ, फिर से घुमाओ, फिर वेट करो, निकल जाता है। ट्राई करिएगा दोबारा से 2-3 बार। आपको जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको आना शुरू हो जाएगा ये कैसे होते हैं। ओके, मैंने पूरे बालों को अच्छे से रैप कर लिया है यहाँ रूट्स के पास। मुझे वॉल्यूम चाहिए ओपन हेयर स्टाइल में, इसलिए मैं बैक कॉम कर रहा हूँ और साथ में आउटवर्ड्स टोंग सेटिंग कर रहा हूँ। तो आउटवर्ड्स टोंग सेटिंग तो आप सबको पता लग गया, राइट? जिन लोगों को नहीं पता वो वीडियो देख सकते हैं। इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, हॉलीवुड वेव हैं, स्पायरल हैं, बहुत सारे टोंग सेटिंग, आयरन आयरनिंग कर्ल्स हैं। तो मैंने बहुत सारे कर्ल्स जो हैं वो करके बताए हैं। तो यहाँ पे ये वाले कर्ल्स हो चुके हैं हमारे, इनमें मैं लगाऊंगा मेरा जो पिन है जो कि स्टील पिन है। 1 मिनट, इस तरीके से इसको छोड़ दूंगा। नाउ ऑन अदर साइड
उसी तरीके से, ठीक है, मेरा कॉम, मैंने कॉम किया, बैक कॉम किया ताकि मुझे बाउंस मिले बालों में, स्प्रे कर दिया ताकि वो बाउंस वहीं पे लॉक हो जाए, देन मैंने बालों को किया कर्ल्स इस तरीके से, मैंने घुमाया, मैंने घुमाया बालों को रूट्स के पास लेके आया। ये एंड्स हैं, एंड ज़रूर अच्छे से करें, ज़रूरी है, अगर आप एंड्स नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाती है। दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। एक चीज़ और बताऊँ, जब भी आपके बाल पतले हों निकल जाते हैं तो एंड्स को फ्रंट पे रखें ताकि बाल निकले नहीं और वो पकड़ के रखेंगे इस तरीके से, ओके। 10 सेकंड तक मुझे वेट करना है, 10 सेकंड्स तक, जैसे ही हो जाते हैं 10 सेकंड्स, हम इनको निकालना शुरू करेंगे बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि हमारे कर्ल्स वैसे ही रहें जैसे हमने किए हैं। अब इनको यहाँ पे हम इस तरीके से रख लेंगे।
मैं पुल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम स्प्रे लगाते जाएंगे साथ साथ में, ताकि वो पुलिंग जो है, वो जो पुलिंग की है हमने, वो अलग अलग दिखे, ताकि पता चले पुल कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ। और हल्का हल्का हाथ से ना आप लाइंस भी क्रिएट कर दो, ये जो हमने पुल्स किए हैं इसको भी लाइंस में क्रिएट कर दो। सी नाउ ऑन अदर साइड सेम थिंग, मैं कॉम करूंगा, बहुत ध्यान से कॉम करना है। मैं सारे बालों को जैसे मैंने उठाया था, जैसे मैंने टोंग किया है, उसी जगह पे मैं बालों को उठा रहा हूँ, उसी जगह पे मैं बालों को उठा रहा हूँ इस एरिया में, ओके इस एरिया में। एंड देन उसके बाद इसको मैं कर दूंगा पीछे की तरफ, और इसमें भी हम यूज़ करेंगे पुलिंग टेक्निक। जी हाँ, मैं बालों को पुल कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कर दूंगा। फिर से पुल करेंगे हम, फिर से स्प्रे कर देंगे, फिर से पुल करेंगे यहाँ पे बालों को, फिर से स्प्रे कर देंगे। ये भी बाल मैंने पुल करने हैं, इसमें भी स्प्रे कर देना है, फिर से इसको भी पुल करना है, स्प्रे कर देना है, ताकि वो लेयर्स दिखें एक्चुअल में जो हमने बनाई हैं। पुल करना है, स्प्रे कर देना है, ठीक है, फिर से इसको भी पुल करना है, 1 मिनट, पुल करना है, स्प्रे करना है। जहां पे आपको लगता है वहां पे आप लेयर क्रिएट करिए। तो इस तरीके से हम दोनों साइड लेयर्स बना के छोड़ेंगे। यहां पे हमें लग रहा है थोड़ा बैक है, ज्यादा हाइट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉम करेंगे, इन बालों को हम लोग कॉम करके, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हाइट है, थोड़ा कॉम कर लेंगे एंड इसको बिठा लेंगे। ये जो बाउंस ज़्यादा दिख रहा है इसको हम बिठा लेंगे और यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, ओके? आप कर सकते हैं यहाँ भी, अगर आपको पुलिंग करना है, पुल करेंगे, स्प्रे लगाएंगे, छोड़ देंगे, पुल करेंगे, स्प्रे लगाएंगे, छोड़ देंगे, पुल करेंगे, स्प्रे लगाएंगे, छोड़ देंगे। आप कहीं भी पुलिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, ये हमेशा वर्थ इट है, राइट? मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे और खींचना चाहिए इस जगह पे, तो मैं इस जगह पे और खींचूंगा। ध्यान रखिएगा, इस जगह को अच्छे से हमें दिखाना है, टॉप को, तो मैं इसको खींच रहा हूँ पीछे, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर बैक में भी, यहाँ भी, एक बैक में और निकालना पड़ेगा मुझे। इवन सिमेट्री इवन होना चाहिए आपका जब भी आप काम करते हो इस तरीके से। ओके, अभी इस साइड जब भी आपको लगता है जहाँ पे, वहाँ पे आप लाइंस इस तरीके से क्रिएट करो, इसको भी, और आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हो, ओके? तो ये था आज का हमारा हेयर स्टाइल, जो मैंने करके दिखाया आप लोगों को, स्पेशली ओपन हेयर स्टाइल। जी हाँ,
अब ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में लाइंस बनाई हैं हमने। अगर नहीं बनानी है तो निकाल दो, कई बार गंदी दिखती हैं, आप कॉम कर दोगे ये निकल जाएंगी। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको रिक्रिएट करना है कुछ, आप रिक्रिएट कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का जो पुलिंग टेक्निक और साथ में कर्ल्स किया? बहुत इजी था, राइट? और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको कर्ल्स करके ओपन करना है एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ करके इसमें यहाँ पे हमें बना देना है ओपन हेयर स्टाइल। यस, तो आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इसमें मैंने सिखाया है आप लोगों को पुलिंग टेक्निक ओपन हेयर स्टाइल कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। इस पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम अपलोड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हेयर टिप्स के बारे में, हेयर कोर्सेज के बारे में। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारा एक नया कोर्स आ रहा है जो कि है कलर क्लास, जिसमें हम मैट्रिक्स, लोरियल, वेला ये तीनों ब्रांड सिखाने वाले हैं। इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिड ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ये क्लास को, बहुत मज़ा आने वाला है, एकदम फ्री है, यूट्यूब पे होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ये क्लासेस लेने के लिए और ज्वाइन कर लो। ज्वाइन का बटन है नीचे, ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं आप, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। और ज्वाइन करने से आपके कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान से देख पाता हूँ और रिप्लाई कर पाता हूँ क्लासेस के अंदर। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंजॉय। माता चाहूँगा।